So yeah, five. Step by step. So we are going towards make in India. All these equipments are actually made in India. सारी कंपनियां आके अपने देश में भारत देश में फैक्ट्रियां लगा के वहां पे उत्पादन करने सबसे जो शुरुआत होगी तो पहले मेरा पाइप का आप कुछ स्टेप्स है विशेष स्टेप नंबर 1 तकनीक से रुकेंगे जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो एक्चुअल स्टेप वो तो सबका फाउंडेशन वो करीब है स्टेप नंबर 2 4G जो ने अभी आते 4G के जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं उनका उनकी जो पेंशन है वो उसकी बढ़ोतरी हो जाए डीलिंक हो जाए डीलिंक हो जाए तो वो सबसे आगे के लिए सबके लिए सहूलियत हो जाएगी स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3 की 4G के साथ साथ हमको आगे बढ़ने का मौका मिल जाए स्टेप नंबर 4 करके हमारे प्रपोजल सब मर्ज होकर थर्ड PRC मिल जाए थर्ड PRC में भी हमको डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन देखिए अभी क्या हो रहा है कि अभी जैसे कर्व जा रहा है ना ये आप इस कर्व के इस पॉइंट पर बैठे हुए और ये 2-3 महीने बाद ये कर्व अपने आप उठने वाला है क्योंकि सारे जितने ऑपरेटर्स हैं वो इस पे इसके बाद उनको ऊपर ही बढ़ना है आपने भी देखा होगा कि मार्च अप्रैल के बाद सभी अपना अपना जो बहुत लॉस मेकिंग चला रहे थे उसको एक्चुअल पे लेके आएंगे तो जब एक्चुअल पे लेके आएंगे तो जब यहाँ पर कर्व रहता है तो आपको लगता है कि रात बड़ी घनी है अंधेरी है पर हर घनी और अंधेरी रात की एक सुनहरी सुबह वाह सुनहरी सुबह अभी बस होने की तैयारी हो चुकी है हम लोगों ने जितना परेशानी उठानी थी वो उठा ली अब इसके बाद तो ऊपर ही होगा 58 का प्रपोजल चल रहा है 58 का प्रपोजल यूँ नहीं चल रहा हम लोगों ने ये कहा है कि जब एक बार थर्ड PRC लागू हो जाएगी तो एक बहुत सारे एक ग्रुप है जो कि ये चाह रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोग भी ये चाहते हैं कि अब हमने अपनी नौकरी में काफ़ी कर लिया काफ़ी स्ट्रगल कर लिया अपना खून पसीना सब कुछ इस विभाग को अर्पित कर लिया और अब आवश्यकता है लड़के बच्चे बेटियों की शादी हो गई लड़के बच्चे अपने अच्छे बढ़िया लगे हुए हैं परिवार सेटल हो गया शांति की ज़िंदगी जी जाए तो उसमें बहुत सारा ग्रुप ये है तो मैं भी आपके जितने भी नेशनल लीडर से सबसे मैंने ये बात करी कि हम थर्ड PRC करेंगे उसके बाद ये तरीके निकालेंगे कि कैसे हमारे रेवेन्यू में ग्रोथ हो कैसे हमारे खर्चों में कमी हो ताकि 10% 15% के स्टेप को भी हम आगे अच्छी तरह से बढ़ सकें और वो तब हो सकता है जबकि कुछ लोग जो कि स्वेच्छा से चाहते हैं जो चाहते हैं कि Hello. हम लोगों ने काफ़ी इसमें मेहनत कर ली पनिशमेंट जितना भी हमें पसीना बहा सकते थे हमने बहा दिया अब हम एक शांति तो जब आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉय अब देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम माने या ना माने आज हमारे भारत संचार निगम लिमिटेड का लगभग 60-70% हमारी तनख्वाह में खर्च होता है ये तो सबके सामने फिगर है सबको पता है कि हाँ ऐसा होता है जब मैं तनख्वाह बांटने बैठता हूँ तो 19 तारीख से मैं क्या करता हूँ कि जो भी आप लोग बिल कलेक्ट करके लाते हो उसको मैं जमा करना शुरू कर देता हूँ और मुझे 30 तारीख तक 750 करोड़ की दरकार 750 करोड़ जबकि एयरटेल वगैरह में 750 करोड़ में पूरे साल की सैलरी चली जाती है ये फ़र्क है और हमको एक महीने में भी 750 करोड़ की लगभग इंतज़ाम करना पड़ता है तो वो जब हमारे एम्प्लॉय हैं धीरे धीरे कम हो रहे हैं हम 3,30,000 से शुरू हुए थे आज 1,80,000 और ये भी जो कर्व जो मैं बता रहा हूँ ऊपर की तरफ उसका एक पहलू ये भी है कि बड़ी तेज़ी से रिटायरमेंट भी हो रहा है हर साल करीब 15-20,000 लोग रिटायर 3-4 साल में लगभग 50-60,000 तो हमारा सैलरी बिल भी बिल्कुल आज देखिए ITI को अगर आप देखें ITI बहुत सी कंपनी थी उन्होंने क्या किया 60 का 58 कर दिया उसके बाद एम्प्लॉय भी कम हो गए अब उनका जो ये वाला जो कर्व ऊपर हुआ तो ऊपर चल रहा है उन्होंने थोड़ा थोड़ा सैलरी उनको भी अभी देने में समस्या आती है और हमसे ही पैसा मांगते हैं पर अब उनका कर्व ऊपर की ओर निकलने की कोशिश में पेंशन कंट्रीब्यूशन से देखिए एक्चुअल वाले पे करीब हमको अभी 2,400 करोड़ तो हम एक्स्ट्रा दे चुके हैं तो संभावना यह है कि 2,400 करोड़ हमको दोबारा प्राप्त हो जाएंगे और उसके अलावा लगभग हर साल 500 से 800 करोड़ के बीच में जो कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट क्योंकि जैसे ही हमें थर्ड PRC मिलता है थर्ड PRC का जो बैंड है बहुत लंबा है बहुत लंबे लंबे बैंड है अगर आप इसके भी छोटे से पीछे से भी शुरू होते हो तो पेंशन कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है सर जो 3% सुपर एनुएशन का है आपने कहा था मार्च तक देंगे तो उसका क्या मार्च तक ऑर्डर में मार्च तक हमने फैसला कर लिया हमने तय कर लिया है कि मार्च तक अभी आपका शायद 23% के आसपास है 23 पॉइंट समथिंग चार बचेगा
हमने जो अपना प्रपोजल बना के भेजा उसमें ये कहा है कि पूरा फ्री हम नहीं कर रहे हैं, जो प्रारंभिक पैसा 50% हमको एडवांस में देना होता है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि जो 50% है वो इक्विटी रूट से सरकार की तरफ से इक्विटी हमको आ जाए और हम उसी के बदले में स्पेक्ट्रम ले लें, और उसके बाद जो हमारा ईयरली जो कंट्रीब्यूशन होता है लगभग 10 या 16 अब तो 16 हो गया, उसमें हम बाकी के जितना भी स्पेक्ट्रम का पैसा है उसको हम चुकाते जाएँ, और वो आएगा हमारे रेवेन्यू से। 4G आएगा तो 4G से रेवेन्यू बढ़ेगी, तो रेवेन्यू से हम उस चीज़ को चुकाते जाएँ और अपने आमदनी में भी और अपनी इनकम में भी 4G का पैसा लगेगा सर। तो ये आधा पैसा पे आधा पैसा आधा इक्विटी रूट से हम चाह रहे हैं, और आधा पैसा 10 साल में हर साल 1/10 कर दें साल में, या 1/16 हो गया, चाहे दोनों में से कोई, अगर 1/16 तो और भी कम पैसा साल दर साल हमको। सर ये 31 मार्च से पहले उम्मीद है क्या? बिल्कुल, मतलब हमने सारे रिप्लाई दे दिए हैं। अब नॉर्मली कोई प्रोसीजर होती है, कैबिनेट नोट जब बनता है तो बाकी सारी कंपनी अपने अपने उसमें इनपुट्स देती हैं, तो सबने अपने इनपुट्स दिए हुए हैं, उसका सबका रिप्लाई हम लोगों ने कर दिया है। और मंत्री जी से भी हमारी बात हो रही थी, वो तो इतने उसके पीछे पड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हम तो इसको दिला के ही चैन लेंगे कि 4G का स्पेक्ट्रम जब तक BSNL को नहीं मिलेगा तो फिर तो ऐसा है कि कंपनी को चलाना ही, क्यों आज ही बंद कर दो। तो 4G के स्पेक्ट्रम के लिए वो मजबूती से तैयार। एक और चीज़ थी, एक हमारा पे स्केल का इशू चल रहा है E2 E3 वाला, तो सर उसमें अभी कहते हैं मतलब मिनिस्टर से डिस्कशन तो नहीं हुआ, विद इन DOT ही है वो, तो सर उसमें फिर अभी कुछ आपके पास मतलब कुछ इनपुट है सर, मतलब कहाँ तक, मतलब जहाँ तक बोर्ड का प्रश्न है, बोर्ड ने E2 E3 को तो मंजूरी दे रखी। हाँ, आपने तो सर बहुत पहले कर दिया, और सबसे पहले हमने शुरुआत की थी कि उसका कैस्केडिंग इफेक्ट वाला भी कर दिया था, पर बाद में कुछ ऐसी बात हुई कि उससे इतना ज़्यादा खर्चा आ रहा था, तो लोगों का ये मानना था कि पहले एक स्टेप कर ले फिर बाकी का स्टेप आगे बढ़ते। E2 E3 का प्रपोजल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में है, वो बड़ा दे आर कंसीडरिंग इट विद ए पॉजिटिव नोट, होना चाहिए। पर जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ी अगर आप प्रायोरिटी आज क्या है, तो मेरे ख्याल से अगर सब लोग अपने दिल से पूछेंगे तो यही कहेंगे कि पहले तो भारत संचार निगम लिमिटेड चलता रहे, उन्नति हो, तरक्की बना रहे, हम लोगों की जो कंपनी है जिसमें हमने इतना मेहनत करके आगे बढ़े हैं वो बनी रहे, और उसके बाद ये है कि हमें बढ़िया थर्ड PRC मिल जाए, पेंशन कंट्रीब्यूशन मिल जाए। देखिए सर, आप लोग सब रिटायर हैं, हम भी अब रिटायर होते हैं, सब ये चाहते हैं कि मगर वर्किंग वालों की बहुत उम्मीद है। सर, महीने पे हमारे SDO का ट्रांसफर कर दिया है, साहू का बता दिया यार, पता नहीं मेरे ख्याल से ऐसा कुछ अगर उसमें देखा जाएगा कि क्या हुआ, कहने पे नहीं किया मंत्री, कहने पे तो बात नहीं थी, परंतु कुछ जरूर बात हुई होगी। मुझे पता बताया कि CGM के पास कोई टेलीफोन कॉल भी आया था, पर बात शायद वो या तो गलत फहमी है, जो भी है वो भ्रष्टाचार से जुड़ गई किसी तरह से। अब उसके बारे में बात करके अगर संभव हुआ तो उसको बताया जाएगा कि भ्रष्टाचार का इशू नहीं है, क्योंकि जब कोई भ्रष्टाचार का इशू जाता है तो सभी जो हमारे जो महकमे में सभी लोग करता है कि कोई गलत बात है, तो उस सबसे पहले तो इस बात से मुक्ति हमको चाहिए कि वो भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि किसी ने कह दिया कि हमको कोई वो नहीं कहा था, वो तो हमसे कुछ डिमांड की गई थी वगैरह वगैरह। तो उसके बाद का अगर जो आपके मुख्य महाप्रबंधक यहाँ मौजूद हैं, अपने डायरेक्टर से बात करेंगे जी सर, और इस संबंध में जो भी अगर गलत फहमी है तो दूर करेंगे, और गलत फहमी नहीं है बहुत सारी चीजें जो मैंने पहले से भी एक सिमिली दी ना एग्जाम्पल, आप यहाँ पर इस पे जो कर्म है यहाँ पर आने के कई कारण, कंपटीशन में लेस देन प्रोडक्ट की प्राइस पे प्रोडक्ट देना वो एक चल ही रहा था, उसके चलते फिर जो हमारा बैंक में जो क्राइसिस एक आ गया बैंकिंग सेक्टर में, इसमें आपने देखा होगा कि RBI में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन हो गया। एक आप तो वहाँ से फाइनेंस से संबंध रखते हैं कि एक बड़ा स्ट्रेस पूरे बैंकिंग सेक्टर में। पहले क्या होता था कि हम लोन लेने जब जाते थे
तो बैंक वालों के पास देवर फ्लश विद द मनी तो ज़्यादा पूछते नहीं थे हमको, अपना आवश्यकता अनुसार लोन जिसको हम खाली कैपेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमको मिल जाता था। अब समस्या ये हुई कि जब लोन लेने जाने लगे तो पैसे कम है तो बैंक वाले एक एक चीज़ ये टिक हुआ नहीं हुआ ये हुआ नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि अभी आपके पास पिछले साल का अप्रूवल DOP से नहीं मिला है तो पहले आप अप्रूवल लेके आइए, तो वो प्रोसेस फिर शुरू हुई। और अब ऐसा लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में भी अब काफ़ी सुधार आ चुका है, मेरे ख्याल से अब चीज परिवर्तन के बाद बहुत सारा पैसा बैंकिंग सेक्टर को भी पहुंच गया है, तो उसके इस सेक्टर में भी जो स्ट्रेस था वो ख़त्म हो गया है, उसके चलते हमको लोन की भी जितने भी हमारा अप्रूव है जो बोर्ड ने अप्रूव किया है, और आपको शायद ये पता होगा कि और सबको आपको बताना भी चाहिए कि पूरा अगर सेक्टर की बात कर लें और कहीं पर हम लोग अगर गर्व कर सकते हैं कि हम लोग डेडिकेटेड एम्प्लॉई हैं, ये बात तो सब ठीक है ही, किसी किसी पैरामीटर में हम अगर कहें कि हम नंबर वन हैं वो है कि अमाउंट ऑफ लोन कितना है हमारे पास। अभी हमारे पास 10 से 12 हज़ार करोड़ लोन, बुरी बात नहीं होती, डेट और लोन कोई बड़ी, हर एक कंपनी चलने के लिए डेट लोन इक्विटी सभी से मिला के कंपनी चलाई जाती है, बाकी कंपनी 1 लाख से, बाकी सब कंपनी देखो तो 1 लाख करोड़, 1 लाख डिफॉल्ट करेगी सर, डिफॉल्ट करेगी करें या ना करें, पर इतना तो स्ट्रेस पे है ही, पूरा इंडस्ट्री का डेट फिगर शायद 4 लाख करोड़ के आसपास, उसको कंपेयर करो हम कहाँ पर हैं, 12-13 हज़ार करोड़ पे, हमने अप्रूवल लिया है 20 हज़ार करोड़ रुपये तक का, बस इतना ही है, और उसका सारे का जो हमको खर्चा करना है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में करना है, तो एज फार एज डेट इज़ कंसर्न आई थिंक वी आर द बेस्ट प्लेस्ड कंपनी इन द होल इंडस्ट्री। तो ये बातें भी हम लोग बता रहे हैं और आप भी इस तमाम माध्यम से आप बता सकते हो, जनता को कर सकते हो, क्योंकि जनता में भी जो एक बात फैली हुई है उस चीज़ को हम सबको दूर करने की ज़रूरत है। और जो सबसे चीज़ मुझे भी बुरी लगती है कि जब कोई कहता है कि आप टैक्स पेयर की पैसे पे या हमारे पैसे पे इस कंपनी को चला रहे हो, सबसे गलत बात मुझे लगती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमने किसी के पैसे से लेके कंपनी चलाई है, बल्कि हमने पैसा दिया ही है, चाहे वो हम टैक्सेस के लाइसेंस फी के बेसिस पे दिया हो, हमने टैक्सेस दिए हैं उसके बेसिस पे लिया हो, जितना भी अगर आप पुराना इतिहास अगर देखेंगे तो 40-50-60 हज़ार करोड़ हमने पैसे दिए ही हैं, और वहाँ से अभी हमको उस तरह का वो तो एक सबसे बड़ी, जब भी आपके किसी भी फोरम में आप लोग मिलो तो आप बताओ कि वी आर नॉट ए कंपनी हु विच इज़ सेट टू बी चेजिंग गुड मनी आफ्टर बैड मनी, ऐसा ऐसी बात नहीं है, जो कि एक बहुत सारी एक लॉबी क्रिएट करने की कोशिश करती है कि BSNL सरकार का पैसा या टैक्स पेयर्स का पैसा लेके अपनी कंपनी चला रहा, तो ऐसी बात बिल्कुल गलत है, और ये सब उन्हीं शब्दों में बतानी चाहिए कि देखिए हमने कहाँ से, हमें कहाँ से पैसा मिला, बल्कि हमने अपनी कंपनी से दूसरे को पैसा दिया, सरकार के भी हमने डिपॉजिट्स किए, सर्विस टैक्स में हमने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, एक बार हम निकाल रहे थे तो फिगर करीब 70-75-80 हज़ार करोड़ के आसपास पहुंच रहा था, 80 हज़ार करोड़ पैसा 2000 में जब से कंपनी बनी से आज तक हमने डिपॉजिट किया, TDS है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमने, और उसके एवज में जैसे एयर इंडिया ने बहुत सारा पैसा, सरकार ने एयर इंडिया को दिया, भारत संचार निगम लिमिटेड को तो ऐसा नहीं हुआ, तो ये बातें बहुत सभी लोगों की जो भ्रांति है उसको दूर करने की भी आवश्यकता है, जिसको हम लोग अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वी आर ए कंपनी हु इज़ चेजिंग गुड मनी बाय द बैड मनी समथिंग लाइक दैट जो कि लोग कहते हैं, बल्कि हमने अपनी कंपनी को अपने हिसाब से ही चलाया है और आगे बढ़े हैं, और आगे भी इसमें आगे भी हम और आगे बढ़ते जाएंगे, तरक्की पाएंगे। और जहाँ डेट का है, जैसा मैंने बताया कि डेट का अप्रूवल अब बहुत ही फाइनल स्टेजेस पे हमको मिल जाना चाहिए, बहुत सारे बैंक हमारे पास आते हैं और हमने बैंकों को भी कहा है कि जो बैंक हमको लोन देगा उचित दरों पर उनको हम अपना सैलरी अकाउंट दे देंगे, तो हमने कहा भी एक इस अगर आप क्विड प्रो क्वो की बात करिए, आप अगर आपको सैलरी अकाउंट चाहिए आप लोन भी देने की बात करिए, तो बहुत सारे बैंक्स ने, मैंने सुना है शायद विजया बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तमाम बैंकों ने हम लोगों को वैसे ही अपने बोर्ड में अप्रूव करी, इट्स मैटर ऑफ चांस, मैटर ऑफ टाइम ओनली कि अब हमको मिलने ही वाला है, साथ में सरकार से हमको अप्रूवल भी मिलने जल्दी ही मिलने वाला है। आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आज हम खड़े हैं यहाँ पर, दिसंबर का 2018 है, अगला भविष्य तो बेहतर ही होगा, और ये जो रात है ये समझ लो अब इसकी सुबह सामने ही नजर आ रहा है। एयर इंडिया को सरकार मदद करती है, अपनों को भी मदद करने की आपने बात नहीं की।
देखिए मदद तो करने की बात हम हर बार करते हैं, पर हमने कहा कि एक बार फोन काट दिया, फिलहाल की मदद मांगने की क्या थोड़ी है, फोन हम स्वयं के अपने पैरों पे खड़े होकर अपना काम कर सकते हैं। और जो सर ड्यूटी के आपस अपने यहाँ है उनसे पैसे लेना वसूल करना चाहिए ना, ड्यूटी वाले पैसे कहाँ है, 200-250 करोड़ हम लोगों को मिलने वाले हैं की तरफ से। वो तो क्या 3% के सर प्रोजेक्ट धनलक्ष्मी एंड पिस्टल की राजधानी बन सर।